नमस्ते, मेरा नाम है जी मंडल। तो आज मैं जो टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, टॉपिक है इंस्टाग्राम एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल के बारे में। टूल का नाम है ऑल्ट टेक्स्ट। आप कैसे आप ऑल्ट टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो इंस्टाग्राम पोस्ट के पोस्ट पे? मैं जानता हूँ कुछ कुछ लोग जानते हैं, कुछ कुछ बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिन लोगों का नहीं पता है पहले से, जो ऑल्ट टेक्स्ट क्यों यूज़ करते हैं। एंड ऑल्ट टेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स इन इंस्टाग्राम। इट्स हेल्प, ये मदद करते हैं आपको इंस्टाग्राम का जो पोस्ट है आपका वो वायरल करने में। लेकिन मैं कंफर्म नहीं बता सकता 100% जो आपको वायरल हो जाएगा, लेकिन आपका वायरल करने में मदद करता है, हेल्प करता है ये जो टूल है ऑल्ट टेक्स्ट। तो आपका जो पोस्ट है, शायद मैं एग्जांपल के थ्रू में बताना चाहूँगा। अगर आपका ओल्ड कोई भी इंस्टाग्राम का पोस्ट है तो उसमें से आपको पोस्ट के ऊपर 3 बटन का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो न्यू पॉपअप मैसेज आ जाएगा, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेगा, जिसमें से आपको एडिट करना पड़ेगा। आपको पोस्ट को एडिट करने के बाद ऑन द राइट साइड पे आपको पोस्ट के ऊपर देखने का मिलेगा एडिट ऑल टेक्स्ट। ऑब्वियसली अगर एडिट ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन है आपको पोस्ट के ऊपर एडिट करने के बाद, तो ऑब्वियसली इसका कोई कारण तो रहेगा। तो आपको ऑल टेक्स्ट एड करने के बाद आपको एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें से ओपन होने के बाद जिसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा आपको जो पोस्ट है, आपका जो पिक है वो किस के ऊपर डिपेंड करके है। मैं पहले भी एक वीडियो में मैंने पूरा बताया था, मैं और एक बार बता देता हूँ। जो ऑल टेक्स्ट जो यूज़ होता है, बेसिकली आपका जो पोस्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करके है। आप अगर चाय पी रहे हो अभी तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा दैट आई एम हैविंग टी। आपका जो पोस्ट जिसके ऊपर डिपेंड करके है उसके ऊपर आपको डिस्क्राइब लिखना पड़ेगा। अगर आपका पिक जो एल्गोरिथम है इंस्टाग्राम का, जो एल्गोरिथम है वो जो आपका जो ऑल टेक्स्ट के अंदर जो ऑप्शन है वो जो आप टेक्स्ट जो लिखेंगे वो देख के आपका जो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो देख के समझ में आता है कि इसका जो पिक्स है इस कैटेगरी में आता है एंड ये पिक्स अभी इस पोजिशन में है। तो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है उसको समझने के लिए ऑल टेक्स्ट यूज किया जाता है। मैं एग्जांपल के थ्रू में बताऊंगा। अगर आपका पिक्स अच्छा नहीं है, किसी को समझ में नहीं आ रहा आपका पिक्स में क्या है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका जो पिक है पोस्ट है बहुत बेकार है, समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, बस आधा अधूरा समझ में आ रहा था। अगर आप ऑल टेक्स्ट यूज करेंगे उस जगह पे दैट आई एम हैविंग टी, आई एम स्टैंडिंग इन any place, I am standing on the road beside a tea shop, आप कुछ भी mention करेंगे तो लोगों को पता चलेगा है ये person अभी ये कर रहा है इस post में ये mention। तो ऐसे जो भी है तो algorithm को समझने के लिए, तो algorithm उन लोगों का शो करेगा आपका पोस्ट जिन लोग आपका पोस्ट देखने में इंटरेस्टेड है। तो इसके थ्रू आपका पोस्ट जो है वायरल होने में बहुत मदद करता है। ओके, तो ऑल टेक्स्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इंस्टाग्राम में पोस्ट में। ओके, तो आप अगर यूज़ नहीं करते हो ऑल टेक्स्ट तो आई रिकमेंडेड करूँगा आज से आप ऑल टेक्स्ट यूज़ करना चालू कर दो आपका बेनिफिट के लिए। तो आज का वीडियो में इतने, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक।